हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू प्रेजेंट ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन रेस्पेक्टिव ऑफ गेट, नेट एंड एनी अदर कम्पिटेटिव एग्जाम। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ग्रामर? ग्रामर कैन बी डिफाइंड बाई फोर टपल्स, जी इज इक्वल टू बी, टी, पी एंड एस, वेयर वी इज द सेट ऑफ वेरिएबल्स और नॉन टर्मिनल सिंबल्स। सो वी क्या है आपका? सेट ऑफ वेरिएबल्स और नॉन टर्मिनल सिंबल्स। टी इज इक्वल टू सेट ऑफ टर्मिनल सिंबल, सेट ऑफ टर्मिनल सिंबल्स। पी इज द प्रोडक्शन रूल्स। एस इज इक्वल टू स्टार्टिंग सिंबल। These are the four tuples that are used in grammar. So here is an example of grammar. This is your given grammar. G is equal to S, A, B, A, B, S, and S is equal to A, B, A is equal to A, and B is equal to B. Where S, A, B is your variable or non-terminal symbol, A and B are your terminal symbols, S is your start symbol, and these are the production rules. So we solve it. S is equal to A, B. अब यहाँ पे ए को आप किससे रिप्लेस कर दोगे? ए इज इक्वल टू ए से। तो ये क्या आ जाएगा आपका? एस इज इक्वल टू ए बी। अब यहाँ पे बी को आप रिप्लेस कर दो बी से, ठीक है? तो ये क्या आ जाएगा आपका? एस इज इक्वल टू ए बी। तो ये क्या है आपके? टर्मिनल सिंबल्स। दिस इज योर आंसर। हेलो स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू डिस्कस द अनदर एग्जाम्पल ऑफ ग्रामर। सो हेयर ग्रामर जी इज इक्वल टू एस ए। एस ए इज इक्वल, एस ए क्या है आपके? नॉन टर्मिनल और वेरिएबल। ए बी इज योर टर्मिनल सिंबल, एस इज योर स्टार्टिंग सिंबल, एंड दीज आर द प्रोडक्शंस। सो वी सॉल्व एस इज इक्वल टू ए ए बी। तो अगर ए ए इज इक्वल टू ए ए ए बी, तो यहाँ पर जो है ए ए को आप रिप्लेस कर दो ए ए ए बी से, ठीक है? तो एस इज इक्वल टू ए ए ए बी एंड बी, ठीक है? यही आएगा आपका। और अगर ए को आप रिप्लेस कर दो नल से, तो एस इज इक्वल टू ए ए नल बी बी, ठीक है? तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एस इज इक्वल टू ए ए बी बी। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ए की पावर एन और बी की पावर एन, ठीक है? तो ये जो जनरेट कर रही है, ये क्या कर रहे हैं? ए की पावर एन, बी की पावर एन। दिस इज़ योर आंसर। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू डिस्कस द अनदर एग्जाम्पल ऑफ ग्रामर। सो हेयर जी इज इक्वल टू एस ए बी, ए बी एस, एंड दीज आर द प्रोडक्शन रूल्स। तो एस ए बी क्या है आपके? सेट ऑफ वेरिएबल्स और नॉन टर्मिनल सिंबल। दीज आर द टर्मिनल सिंबल। एस इज द स्टार्टिंग सिंबल एंड दीज आर द प्रोडक्शन रूल्स। तो इसको सॉल्व करते हैं, एस इज इक्वल टू ए बी, ठीक है? एस इज इक्वल टू, अगर हम ए को ए से रिप्लेस कर दें और B को B से रिप्लेस कर दें, ठीक है? S इज इक्वल टू ए बी, ठीक है? दिस इज योर वन, ये आपका एक प्रोडक्शन आ गया। ऐसे ही S इज इक्वल टू ए बी है अगर, तो S इज इक्वल टू, अगर A को रिप्लेस कर दो आप A A से, तो A को आप रिप्लेस कर दो A A से, ठीक है? तो यहाँ पे A को रिप्लेस कर दिया हमने A A से, तो ये आपका आ जाएगा। और अगर यहाँ पे ए को रिप्लेस कर दो आप ए से और बी को रिप्लेस कर दो आप बी से, ठीक है? तो क्या आ जाएगा? ए ए बी। दिस इज़ योर सेकंड प्रोडक्शन। अब थर्ड है आपका एस इज इक्वल टू ए बी। तो एस इज इक्वल टू, अगर आप बी को रिप्लेस कर दो यहाँ पर बी बी से, ठीक है? तो क्या आ जाएगा आपका? ए बी बी, ठीक। और अगर यहाँ पर आप ए को रिप्लेस कर दो ए से और बी को रिप्लेस कर दो बी से, तो आपका क्या आ जाएगा? ए बी और बी, ठीक है? ये आ जाएगा। दिस इज योर थर्ड प्रोडक्शन। फोर्थ, इफ एफ एस इज इक्वल टू ए बी, देन अगर ए को रिप्लेस कर दो आप
ए ए से और बी को रिप्लेस कर दो आप बी बी से, तो क्या आ जाएगा आपका एस इज इक्वल टू ए ए बी बी, ठीक है। और अगर ए को रिप्लेस कर दो आप ए से और बी को रिप्लेस कर दो आप बी से, तो क्या आ जाएगा आपका एस इज इक्वल टू ए ए बी बी। दिस इज योर फोर्थ प्रोडक्शन। सो दीज आर द फोर प्रोडक्शन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाई दिस प्रोडक्शन रूल्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।